हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब आशा करती हूँ कि आप लोग घर कोई अच्छे हैं, खुश हैं, घर पे सही सलामत है। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं मेरा कर्ली हेयर वॉश डे रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। और आज जो मैं प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ ये है फ्रॉम द ब्रांड केओस। आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। सो ये है उनके तीन प्रोडक्ट। और सबसे मजेदार बात है ये तीनों प्रोडक्ट के साथ आपको एक फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो है ये एक स्टाइलिंग ब्रश आपको इसके साथ मिल जाएगा। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर ऐसे सारे स्टाइलिंग ब्रश सेल कर रहे हैं और आपको ये कंपनी की तरफ से फ्री ही दे रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक बोनस पॉइंट है इस कंपनी की तरफ से। ये जो किट है ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। मैंने जस्ट नाइका पे देखा तो इसका प्राइस है ₹1349। और भी नाइका में कभी कभी डील चलते रहता है, तो आप वो सारा डील अगर ग्रैब करते हो तो आपको और भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं जब एक 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 प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, मैं उसका इंडिविजुअल प्राइस भी बता दूंगी, तो तब आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका सेविंग कितना ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली एक अफोर्डेबल रेंज में ये सारे प्रोडक्ट है। जो भी सारे मेरे दोस्तों में, मेरी बहन, मेरी सहेलियाँ, जो भी सारे लोग कम बजट में अपने कर्ली हेयर का केयर करना चाहते हो, तो आप ये उसका जो ब्रांड है इसे कंसिडर आप कर सकते हो। ये ब्रांड से ना मैंने पहले कभी भी कुछ भी नहीं खरीदा है और ना तो इनके प्रोडक्ट मैंने कभी यूज़ किया है, तो कह सकते हो आज मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है। और साथ में मैं पहली बारी यूज़ करके देखूंगी कि बालों पे इसका रिजल्ट कैसा आता है। होपफुली अच्छा ही आएगा। और एक बात है, कोई भी प्रोडक्ट अगर पहली बार यूज़ करते हैं ऐसा 100% गारंटी नहीं है कि उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, क्योंकि हमारा बाल थोड़ा सा वक्त लेता है उस प्रोडक्ट को जानने के लिए, उस प्रोडक्ट को पहचानने के लिए। ये DIY के लिए भी है और मार्केटेड प्रोडक्ट के लिए भी मैं मेरे बालों पे देखी हूँ। अब आपको अपने बाल के बारे में मेरे से ज़्यादा पता होगा। अगर नहीं पता है तो ट्रायल एंड एरर मेथड करो, देखो कि कैसा होता है, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं स्टाइलिंग रूटीन दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत इसमें बातचीत करूंगी। ये जो तीनों प्रोडक्ट है स्पेशली कर्ली हेयर्स के लिए ही है। इनका नाम ही वही है, कर्ली हेयर शैम्पू, कर्ली हेयर कंडीशनर एंड कर्ली हेयर जेल। तो मैं जब एक 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 प्रोडक्ट यूज़ करूंगी इसके बारे में जो भी कुछ है ये मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ पे जो बेल आइकॉन है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम शैम्पू से। ये उनका ग्रेप सीड शैम्पू है। इसका प्राइस है ₹499 और ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है एज पर कंपनी क्लेम। स्टेप वन है और इसमें कोई पैराबेन और फिर सल्फेट नहीं है। और इसका जो फ्रैग्रेंस है ये है वाटरमेलन, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट फ्रैग्रेंस है इन फ्रूट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके और भी जो भी सारे सब प्रोडक्ट है ना, सारे वाटरमेलन फ्रैग्रेंस में ही है। और इसके इंग्रेडिएंट में एक्चुअली वाटरमेलन सीड ऑयल भी है। और इसका जो क्वांटिटी है ये है 200 ml, तो अप्रॉक्स 200 ml आपको मिल रहा है ₹500 में। एज पर कंपनी ये शैम्पू को आप डेली यूज कर सकते हो और ये एक माइल्ड क्लेंजर है। एज पर कंपनी ये जो शैम्पू है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है बालों के लिए। ये टेक्सचर और कर्ली बालों के लिए है। ये बालों को कभी भी वे डाउन नहीं करता है। अगर आप डेली शैम्पू यूज करते हो तो आप इस शैम्पू को यूज कर सकते हो। एज पर कंपनी बालों में एक नेचुरल शाइन देता है, साथ पे बालों का जो बिल्डअप है इसे हटाता है और बालों को सॉफ्ट करता है, बालों में मॉइस्चर को सील करता है, बालों में हाइड्रेशन पहुंचाता है। कलर्ड एंड नॉर्मल बालों के लिए ये यूज किया जा सकता है। तो चलिए पहले मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो उसके लिए पहले मेरे बालों को मुझे भिगाना पड़ेगा, तो मैं पहले बाल को पानी से धोकर आती हूँ। मैं लास्ट 5 मिनट से इसे ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें स्टॉपर लगा है, मैंने देखा ही नहीं। तो ये शैम्पू को यहाँ पे एक्चुअली स्टॉपर लगा है, जो कि एक बहुत अच्छा चीज़ है, अदरवाइज बहुत सारा प्रोडक्ट एक्चुअली लीकेज हो जाता है। मुझे ना यही से वाटरमेलन का स्मेल आ रहा है और मुझे फिर से वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है। मैंने लास्ट ईयर वाटरमेलन एक खाया ही नहीं। ट्रांसपेरेंट एक जेल बेस्ड शैम्पू है। एक्चुअली ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी है, तो इसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था इसे लगाने के लिए, तो आसानी से लग जा रहा है। बोलूँ तो इसका जो रिव्यू है ये मैं अभी नहीं दे रही हूँ, ये मैं आपको फर्स्ट इम्प्रेशन दे रही हूँ। रिव्यू तो मैं आपको कम से कम 3 से 4 बार इससे बाल धोने के बाद ही मैं दे सकती हूँ, अदरवाइज ये बहुत ही बायस्ड हो जाएगा कि उन्होंने मुझे भेजा और इसीलिए मैं आपको अच्छा अच्छा बोल रही हूँ, है ना। शैम्पू का शेल्फ लाइफ जो है ये अप्रॉक्स है 2 साल। शैम्पू इतना ज़्यादा फोमिंग नहीं है कंपेरेटिवली टू अदर शैम्पू। शैम्पू लगाने के बाद मैं हर वक्त मेरा स्कैल्प में एक हल्का सा मसाज करती हूँ,
ताकि स्कैल्प में जो भी डर्ट है, जो भी गंदगी है, ये निकल जाए। मैं इस शैम्पू को कुछ देर रख रही हूँ मेरे बालों पे, ज़्यादा देर भी नहीं, जस्ट 3 से 4 मिनट, उसके बाद मैं धो दूँगी। मोस्टली मोस्ट ऑफ द शैम्पू के साथ ऐसे मैं करती हूँ। एंड मैं इस शैम्पू के साथ क्यों स्पेशली कर रही हूँ, बिकॉज ये क्लेम करता है कि ये क्लैरिफाइंग शैम्पू है, सो इसीलिए मैं कर रही हूँ। एज पर कंपनी ये जो शैम्पू है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि आपको आपके भीगे बाल और स्कैल्प में इस प्रोडक्ट को लगाना है और मसाज करना है। उसके बाद आप अपने बालों पे 1-2 मिनट के लिए इसे रख सकते हैं और उसके बाद पानी से वॉश कर दीजिए। तो यही है इसका डायरेक्शन। तो थोड़ी देर रख दी हूँ शैम्पू, अब मैं मेरे बालों को वॉश करके आती हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी कंडीशनर एंड उसके बाद जेल। तो शैम्पू मेरा हो गया है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी शैम्पू को लेकर, ये शैम्पू मुझे ना ड्राइंग नहीं लगा। मैंने प्रीपू के लिए कामा आयुर्वेदा का तेल यूज किया था, जो कि बहुत ज्यादा हेवी है, आपको पता ही होगा अगर किसी ने यूज किया है तो, और ये इतना इजीली जाता नहीं है। लेकिन ये जो शैम्पू है, इसे हटाने में ये खड़ा उतर आया है। उसके साथ ही मेरे बालों को ड्राई नहीं किया है, ये बहुत बड़ा एक चीज है, क्योंकि मेरा बाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई होता है। अब तक तो इसने ड्राई नहीं किया है, ये मेरा धुला हुआ बाल है। ऑब्वियसली ये हाइड्रेटेड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ कुछ शैम्पू होता है ना कि एकदम ऑयल स्ट्रिप आउट कर लेता है, वैसा भी ये नहीं है। अब आता है उनका सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप है उनका कंडीशनर। इसी स्टेप पे मैं यूज करने वाली हूँ उनका स्टाइलिंग कोम। ये है उनका एवोकाडो कंडीशनर, और ये कर्ली बालों के लिए अगेन ये हाइड्रेटिंग है। इस प्रोडक्ट का जो मोटो है ये है नो फ्लेक्स नो फ्रीज। ये भी वाटरमेलन फ्रेग्रेंस में है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था, और इसका क्वांटिटी है 200 ml। इसका भी प्राइस सेम जस्ट लाइक द शैम्पू 499, मतलब 500 रुपए में 200 ml का कंडीशनर आपको मिल रहा है। इसका डायरेक्शन ऑफ यूज एग्जैक्टली सेम एज शैम्पू है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसको स्कैल्प में तो नहीं लगाऊंगी, मैं मार्केटेड प्रोडक्ट अपने स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ, और इसको मैं एज ए लीव इन कंडीशनर भी यूज करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि मैं डीप कंडीशनर में बिलीव करती हूँ, लेकिन इनका क्योंकि डीप कंडीशनर नहीं है, तो मैं इसी कंडीशनर को थोड़ी देर रखने वाली हूँ, जो कि इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने बोला है कि जस्ट लाइक शैम्पू की 1 or 2 मिनट्स रखो। मैं इसको 5 मिनट रखने वाली हूँ, उसको धोने वाली हूँ, और उसके बाद मैं अगेन थोड़ा सा कंडीशनर लेके मैं एज ए लिव इन कंडीशनर मैं यूज करने वाली हूँ। तो अगेन इसका स्टॉपर मुझे ओपन करना पड़ेगा, इसमें बहुत अच्छा चीज है, इसका भी स्टॉपर है। और एक बात बोलना मैं भूल गई, शैम्पू का स्मेल ना बहुत तगड़ा है, मुझे स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे वाटरमेलन बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे ऐसा फ्रूटी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक्सेप्ट कोकोनट। इसका भी वैसा ही फ्रेग्रेंस है, इसका कंसिस्टेंसी काफी थिक है यार, काफी थिक कंडीशनर है ये, क्योंकि ये लिव इन कंडीशनर नहीं है, तो इसका कंडीशनर का कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक है, जो कि मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला भी नहीं कि ये एक लिव इन कंडीशनर है। तो इसको मैं मेरे बालों पर लगाऊंगी। बात करते करते मेरा बाल थोड़ा सा ड्राई हो गया है। मैं एप्लीकेशन में इतना नहीं दिखा रही हूँ कंडीशनर का, क्योंकि आप सबको पता ही है मैं कैसे लगाती हूँ। मार्केटेड प्रोडक्ट मैं अपने स्कैल्प से दूर रखती हूँ, मेरा स्कैल्प ऐसे सारे मार्केटेड प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जेटिक है, कुछ हो गया तो उसके बाद स्मेल भी ठीक वाटरमेलन का जैसा है, लेकिन मुझे शैम्पू का स्मेल ज़्यादा अच्छा लगा एक्चुअली। पहली बार में मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे कितना प्रोडक्ट इसका चाहिए, ये सारा प्रोडक्ट के साथ आपका होगा। आप अगर पहली बार कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि कितना प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है। जैसे कि शुरुआत में बोला है कि आपको ट्रायल एरर मेथड फॉलो करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा एक्चुअली। तो ये काफ़ी थिक कंडीशनर है, ओहो। अच्छा एक बात है, ये कंडीशनर क्लेम करता है कि ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, लेकिन इसमें मिथाइल पैराबेन है और प्रोपाइल पैराबेन दोनों है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कर क्या रही हूँ, मैंने इसका लीड ओपन कर लिया है, मेन वाला लीड, और मैं यहाँ से ले रही हूँ ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट आ नहीं रहा है और मैं इतना देर वेट नहीं कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। तो इसमें है कंडीशनर, तो मैंने थोड़ा पानी ले लिया है कंडीशनर लेके। अब मैं वो सारे जगह पे लगाऊंगी जहाँ पे कि लगा नहीं है, हल्के हाथ से जस्ट ये पीछे का पार्ट है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूंगी, जस्ट टच कर रही हूँ ऊपर ऊपर से, लेकिन स्कैल्प पे मैं टच नहीं करूँगी। तो ऊपर का जो पार्ट होता है वहाँ पे मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप इसी मोमेंट में आप डिटैंगल भी कर सकते हो। मेरे बालों पे इस बार उतना ज्यादा टैंगल्स था नहीं, मुझे उतना ज्यादा हेयर फॉल डिटैंगलिंग के दौरान हुआ नहीं है, फिर भी इतना सा हुआ है बस, जो कि एकदम परफेक्ट है। अब तक मैंने मेरा हेयर फॉल स्टोरी आपके साथ शेयर किया होगा, आप प्लीज वो वीडियो देखें और मुझे बताइए कि क्या आप वैसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। अगर हो
तो हग्स टू यू माई डियर, चिंता मत करिए, दिस शैल पास सून। उस वीडियो के बारे में उसी वीडियो में जाके देखिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अब कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं ये कब यूज़ करूँगी, मैं ये अभी यूज़ करूँगी जब मैं इसको एज ए लिव इन कंडीशनर इसको लगाऊंगी, ठीक है। तो इसको मैं रखती हूँ अप्रॉक्स फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद मैं आपके साथ आके मिलती हूँ। ओके बाय बाय। तो अब 10 मिनट्स हो गया है, मैं जल्दी से मेरा हेयर वॉश करके आती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ठीक है। तो बाल वॉश हो गया है कंडीशनर के लगाने के बाद, मैंने जो चीज़ नोटिस किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि ये बालों को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाया है, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा रफ बाल है तो आप ये वाला कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है मेरे बाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लीव इन का ज़रूरत है, बिकॉज माई हेयर इज़ एक्सट्रीम ड्राई, यू ऑल नो दैट। सो मैं भी लगाऊंगी वही, तो सेम कंडीशनर ही मैं यूज कर रही हूँ फॉर लिविंग। यू नो हाउ मच स्ट्रगल आई हैव टू डू, तो मैंने इतना लिया है। अब मैं इसमें लूंगी थोड़ा सा पानी मल्सिफाई करने के लिए, एंड देन आई विल अप्लाई ऑल ओवर माई हेयर। तो वैसे ही डाउन से ऊपर जाऊंगी जैसे मैं कंडीशनर लगाते वक्त गई थी। पहली बार यूज कर रही हूँ तो थोड़ा सा कम ही ले रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हाइड्रेटिंग हुआ तो मेरे बाल वे डाउन हो जाएगा। स्मेल बहुत अच्छा है, लेकिन यस, अगर आपको फ्रूटी स्मेल, स्पेशली अगर वाटरमेलन नहीं पसंद, यू विल हेट दिस स्मेल एक्चुअली। अगेन थोड़ा सा पानी लूँगी, एंड ऐसे सारी जगह पे ना हल्के से जस्ट। अब मैं ये जो उनका कोम है ये यूज़ कर रही हूँ, मैं पहली बार ये कोम यूज़ कर रही हूँ, सो आई रियली डोंट नो कि कैसे यूज़ करना है। मैं छोटा छोटा सेक्शन ले रही हूँ नीचे से, जब लेकर जा रही हूँ ना मैं जस्ट इसको फिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये कोम पहले यूज़ नहीं किया है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इस पर नहीं करूँगी, पहली बार ही है ना। और जो साइड एक बार हो गया उसके ऊपर मैं फिर से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर फ्रीज बहुत आ जाता है ऐसा करने से। अभी हम लोग हैं लास्ट स्टेप में, जिसमें कि हम हेयर जेल लगाने वाले हैं। ये है केओस का हेयर जेल, जिसका नाम है केओस फ्लैक्सीड हेयर जेल फॉर कर्ली हेयर, एंड इसका जो टैगलाइन है वो है लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स इलांगेटिंग हेयर जेल्स। और ये स्टेप 3 है, और इसका भी क्वांटिटी है 200 ml, और इसका जो प्राइस है ये है रुपीज अगेन 499। सेम वाटरमेलन फ्रेग्रेंस में है, तो जैसे मैंने बोला ही था आपको कि सारा सेम फ्रेग्रेंस में इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसका डायरेक्शन ऑफ यूज है, आपको फर्स्ट आपके बालों को क्लेंस करना है, उसके बाद डीप कंडीशनिंग करना है। डीप कंडीशनिंग के दौरान आप कोम यूज करिए सेक्शन करके, और उसके बाद आप ये वाला हेयर जेल लगाइए। ये हेयर जेल लगाते वक्त आप कोम यूज मत करिए, इसमें ये दिया गया है। रेदर यूज योर फिंगर, ताकि आपके बालों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जेल अच्छे से। जब हेयर जेल पूरा लग जाएगा आपके बालों पे, ओवर सैचुरेशन जगह पे आप टॉवल यूज कर सकते हैं, ताकि अगर ज्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे लग गया है तो वो निकल जाए। तो यही है कंपनी का हाउ टू यूज। अब मैं कैसे यूज करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं इसका कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। इसका कंसिस्टेंसी है, आई डोंट नो, मैंने ऐसा जेल नहीं देखा है कभी भी, कुछ ऐसा। थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, थोड़ा सा पतला जेल है इनका, मेरा क्लम्स ऑलरेडी फॉर्म हो गया है, तो मैं मेरे हाथ की मदद से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। मैं सोच रही थी प्रेइंग हैंड मोशन करूं, प्रेइंग हैंड मोशन ही करूंगी। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट है ना, आप क्या देखोगे। तो आप देख सकते हो कि मेरे क्लम्स ना फॉर्म हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं बहुत ही हल्के से इसको स्क्विश करूंगी, बहुत ही हल्के से करूंगी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती क्लम्स को, क्योंकि क्लम्स मुझे अच्छे खासे लग रहे हैं। तो आज का मेरा हेयर वॉश एंड उसके साथ में हेयर स्टाइलिंग तो हो गया है केओस ब्रांड के शैम्पू कंडीशनर एंड हेयर जेल से। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, जो कि आपको थोड़ी देर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे बालों को डिफ्यूज नहीं करती हूँ, एयर ड्राई करती हूँ, और एयर ड्राई होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आपको तो वक्त नहीं लगेगा देखने के लिए, आपको तो अभी दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ आज का, तो मुझे ये सारे प्रोडक्ट का फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ये मुझे अच्छा लगा। मुझे उनका हेयर जेल का कंसिस्टेंसी थोड़ा सा अलग लगा, मैंने ऐसा हेयर जेल कभी भी देखा नहीं है। लेकिन उनका मुझे कंडीशनर भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, साथ में शैम्पू मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद ही हम थोड़ा बहुत कंक्लूशन में एक्चुअली आ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसा है, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ विथ रिजल्ट, बाय बाय। हाय गाइस, सो मैं आ गई हूँ विथ रिजल्ट, और यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हैं ये ठीक उसके नेक्स्ट दिन का है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए कर्ल अप का कर्ल नरिशिंग हेयर ऑयल मेरे हाथ पे ले ली हूँ,
ये बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, लाइट हेयर ऑयल है, SOTC और वॉल्यूम के लिए जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। इसका मैंने रिव्यू किया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू दिस रिज़ल्ट, तो आप देख सकते हो कि मेरा हेयर में थोड़ा सा फ्रीज है। तो जी हाँ, इस बार मुझे क्वांटिटी का समझ नहीं आ रहा था एंड मैंने डीप कंडीशनिंग नहीं किया था, जो कि कंपनी कहता है आपको डीप कंडीशनिंग करने के लिए, वो मैंने नहीं किया था। सो आई रियली कैन नॉट ब्लेम ब्रांड ऑन दैट, राइट। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ करूँगी विद डीप कंडीशनर एंड मैं फिर से इसका रिज़ल्ट देखूँगी। लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट ख़राब नहीं आया है, जैसे कि आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत फ्रीज है, लेकिन कर्ली बाल मतलब ही फ्रीज, और फ्रीज को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। फ्रीज को लेकर अगर टेंशन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फ्रीज था लेकिन फिर भी आप मेरे बालों में डेफिनेशन देख पा रहे हो, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है, इस प्रोडक्ट से आया है। और साथ में मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ था, जैसे कि मैंने आपको कंडीशनर यूज़ करते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है। तो यही था मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ केओस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने केओस से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट पे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स।